By using provocative words and racial slurs, one cannot become a political leader. The people of the state are fed up with the political circus going on in Tripura since the left front lost power. And here, the real clown of the circus in Tripura is Pradyut Kishore Debbarman, one who himself cannot speak Kokburuk language or never tried to learn even. But from long time, the scammer is fattening his pockets by playing tunes in the name of Greater Tripura Land. Also, the fraudster has been tricking the people of Tripura with the story of interlocutor since the end of 2023 assembly elections. In this situation, the people of Hills have already started calling him a cheater. When he earned rupees 300 crores for himself and spent it silently. However, Pradyut has started a new drama with his all-time excuse that Delhi doesn't want the development of the hills and the indigenous people. Bangla mein likho, to Janjati Morcha chup rahega. Tripura mein inko aisa leader chahiye, jo Maharaja Bir Bikram Airport mein announcement Kokburuk mein na ho, sirf Bangla, Hindi aur English mein ho, aur awaaz nahi uthaye, aisa leader chahiye. त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है जो तिपरासा के बारे बात नहीं करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं. इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं. 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये. उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला. इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं, तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है कैंसिल हो जाता है. तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए मेरा नाम को खराब करके. कल का बात है, बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्युत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्युत बुलाया जाए, भूभागरा ना बुलाया जाए, प्रद्युत बुलाया जाए. पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है, आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था. किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए ये ठीक नहीं लगता. और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला. तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्युत बोलकर बुलाइए, मेरे मां को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ. एवरीवन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग इवन इफ इट इज लेट एंड इन द डिजिटल एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हाइड द रियल ट्रूथ. प्रद्युत्स प्लान ऑफ लाइंग टू मेंटेन हिज इमेज टर्नड आउट टू बी अ फ्लॉप शो. द प्रेशर ऑफ वोटिंग इज अ ग्रेट प्रेशर. Now the Hills has to answer as the Lok Sabha elections are near. Tricks of luring the people with dialogues can't be sold in the market for a long time. According to political analyst, fraud Pradyut has already started staging dramas with ethnic undertones and some tears in advance. Bureau Report, Independent.